अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी में भलीकार माया मंदर अज़ीज़ हिन वक्त जो हेडलाइंस। के सबूत न मिला, कौमी सलामती कमेटी अगूने वजीर आजम इमरान खान जा बोहतान रद्द कर छा। वजीर आजम हाने बी महीनन का वधिक कें जो नालो ईसीएल में न रहंदो। वफाकी घरू वजीर राणा सनाउला चुवाए ते कई बरे खा ईसीएल एक इशू बणजी वयो हो। कें के डिजालणो हुंदो हो त नेब जो नोटिस उमाणे नालो ई ईसीएल में विधो वेंदो हो। ईसीएल में सीएम 4000 मानुन जा नाला शामिल आइन। नए कानून तहत 3000 मानुन के फायदो थींदो। जे कदें हुकूमत 120 दिन अंदर सबूत न आणे सगी त ईसीएल मां नालो पाण मुरादो खत्म थी वेंदो। स्पीकर राजा परवेज अशरफ पीटीआई एमएनएस जो इस्तीफाओं डिसेट कर छो, चवे तो इस्तीफाओं कानून मूजिब मंजूर थी। मुस्तफी थींदड़ मेंबरन के पेंजे चेंबर में घुराइंदुस, सान आमू सामू मुलाकात कंदुस। इस्तीफाओं मंजूर करण जो अमल जल्द शुरू कयो वेंदो। पंजाब के नए चूंडल वडे वजीर के हलफ बरदारी वो मामलो, लाहौर हाईकोर्ट के सदर मुमलकत के हमजा शहबाज का हलफ खणाने लाइ को बो नुमाइंदो मुकर्र कर हिदायत। अदालत अज 21 दिन थी वन सूबे में आइन जो कदुर ना तो अदालत खेस काबिले एहतराम चवण मुनासिब न समझंदी। ईंदड़ माली साल की बजट जून के पहरे हफ्ते में पेश कर असेंबली के बजट इजलास जो शेड्यूल तय। जरियन जो चवण है तो बजट का अगकौमी असेंबली जो इजलास तलब किया वो जैमें पार्लियामानी ढी पूरा क्या वा। इजलास ईद का 9 मई से तलब किया वो। काफली कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर लाए पैंजे उम्मीदवार जो नालो दे छो। एमएनए हुसैन लाई के अपोजिशन लीडर नामजद कर स्पीकर राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त। दरख्वास्त मोनिस इलाही, फारूक इकबाल और हुसैन इलाही जूं सही थे। मुल्क के मेचुअर जमहूरियत तरफ वी वनो है, चाहूँ था तो जल्द का जल्द आर्टिकल 63A राय दूँ। जमीन मूजिब जो आइन तहत ठीक लगो है वो कदा दुआ होंगी है तो असा के फैसलन से मुल्क में बेहतरी अचे। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदाजा आर्टिकल 63A की तशरी उमानल सदाती रेफरेंस से रिमार्क्स। इज्जत वो रस्तो यो है तो फिरल मेंबर इस्तीफा दई घर हला वन। सियासी जमायतों उन कैंसर जो इलाज पान नथियों कर सकन। रुगो हिकड़ी जमायत फिरल मेंबरन के खिलाफ है, बाकी अक्सर जमायतन के मौकिफ उन उबतड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर आई जस्टिस जमाल खान जा रिमार्क्स। चयन नवन वजीर की शमूलियत, सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी हलफ खणाई। नवन वजीर में काफ लीग जो चौधरी साल मेंगल जो हसन बलोच, मोहम्मद हाशिम जो मियां जावेद लतीफ़। तकरीब में वजीर आजम शर्जील मेमण एक भेरों बीहर सिंध के इतलात खाते जो वजीर बणजी वो। हल बर्दाश्त
कराची में थी। वक्ती गवर्नर आगा सिराज दुरानी शर्जील मेमण का हलफ खणायो। अगूणे वफाकी हुकूमत असां जे वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह कोऑपरेटिव मार्केट जे बाहि मुतासिर में चेक विरिहाइण वारी तकरीब में ॻाल्हाईंदे चयो आहे त हुन काबीना खे चई छॾियो आहे त 3.5 सालनि जो कमु 1.5 साल में कयो वञे। संदसि ख़िलाफ़ अहिड़े पावर प्लांट जो केस आहे जेको करे रहियो आहे ऐं कराची में सस्ती बिजली फराहम करे रहियो आहे। सिंध रेंजर्स जे वलीर सौदा लियाकत मार्केट मां तकरीबकारी जी खेप हथ। रेंजर तर्जमान मूजिब कार्रवाई दौरान दस्ती बम ऐं ॿियो सामान हथ आयो आहे। टंडे अलायार में कतल थियल नौजवान अली रज़ा पोट ऐं उन जो चाहींदड़ निकितो। मक़तूल जंहिं तां खेस क़तूल कयमि जवाबदार औरत तमसील आराई जो पुलिस आॾो एतिराफ़। SSP फारूक पिजाराणी चयो आहे त मक़तूल खे नारी पंहिंजे चाहींदड़ पुलिस इंस्पेक्टर नबी खची सां गॾिजी क़तूल कयो। संदसि साथी जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं वठी रहिया आहिनि। नए देरे जे नज़ीर कॉलोनी मां औरत जो लाश हथ। 40 वरे जी ज़किया मीराणी जो लाश घर मां मिलियो। बांह ते तशद जा निशान आहिनि। मामले जी वधीक जांच करे रहिया आहिनि। ऐं ठुल मां नौजवान नारी खे मुबैना तौर खंभण जी कोशिश। मुज़ाहिमत ते हथियारबंद फरार जवाबदार ॻोठ अब्दुल समद खोसे मां नारी भागुल खोसे खे मुबैना तौर अगवा करे रहिया हुआ त संदसि रडनि ते फरार। पुलिस जो केस मुतासिरनि जो थाणे आयो। पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज।